तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने दांतों का पीलापन हटाकर उन्हें बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली वाइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दांत जो होते हैं वो आपके चेहरे की बहुत बड़ी पहचान होते हैं। अगर आपके दांत पीले होते हैं तो आपको लोगों के सामने हंसने में बहुत शर्म आती है, और अगर आपके दांत पीले होते हैं तो उनमें से स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा नुस्खा तैयार करेंगे जिसका इस्तेमाल करके मात्र 2-3 बार में ही आप अपने दांतों का पीलापन जड़ से खत्म कर पाएंगे, और आपके मुँह से जो स्मेल आती है पीलेपन के कारण वो भी खत्म हो जाएगी। और फ्रेंड, ये बहुत ही इंस्टेंट तरीका है, 2-3 बार में ये 100% रिजल्ट देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नुस्खा पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको लगातार देखना है ताकि इस नुस्खे को समझकर आप अपने इस प्रॉब्लम से बहुत ही आसानी से जड़ से छुटकारा पा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस नुस्खे को। फ्रेंड्स, 2-3 चीज़ें हमें इसके अंदर इस्तेमाल करनी है जिनका इस्तेमाल करके आप इस नुस्खे को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली है फ्रेंड्स, कोलगेट। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको एक क्लीन बॉल के अंदर उतनी कोलगेट ले लेनी है जितना आप ब्रश करते समय अपने ब्रश पर इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी कोलगेट हमने इसके अंदर ऐड कर ली है। अब दूसरी चीज़ जो हमें इसके अंदर ऐड करनी है वो है फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स, आपको एक चम्मच, आधे चम्मच से भी थोड़ा कम बेकिंग सोडा इसके अंदर ऐड कर लेना है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, बेकिंग सोडा ही डालना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे में फ़र्क होता है फ्रेंड्स। बेकिंग सोडा इस नुस्खे में काम करेगा, बेकिंग पाउडर इस नुस्खे में काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब फ्रेंड्स, इस नुस्खे को कंप्लीट करने के लिए एक तीसरी चीज़ हम इसके अंदर ऐड करनी है, जो कि है नींबू। ये देखिए फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि चीज़ों का कालापन हटाने के लिए या फिर दांत का पीलापन खत्म करने के लिए नींबू का इस्तेमाल प्राचीन समय से किया जा रहा है। आपको एक नींबू लेना है, उसको आधा काट लेना है और उसका एक चम्मच के बराबर रस इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे होगा कि फ्रेंड्स इसका एक पेस्ट बन जाएगा, इसका इस्तेमाल करके आप, ये देखिए फ्रेंड्स, अपने दांतों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अब हमारा ये नुस्खा बनकर तैयार हो गया, अब हमें इसे मिक्स करना है सिर्फ। मिक्स करने के बाद हम इसे अपने दांतों पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, झाग बनने शुरू हो गए हैं। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, और बहुत ही आसानी से आपके दांतों की प्रॉब्लम को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर देगा। आपके दांत से जो स्मेल आती है, मुंह से स्मेल आती है, वो भी खत्म हो जाएगी, और आपके दांत जो सालों के कारण पीले हो गए हैं, सालों के कारण, वो बहुत ही जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आपका नुस्खा बनकर तैयार हो गया। अब आपको इसे सिर्फ इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करना बहुत ही ईजी है, और बहुत ही इंस्टेंटली ये आपके दांतों पर वर्क करेगा। आपको बस करना ये है कि आपको एक ब्रश लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको एक ब्रश लेना है और इसके अंदर डिप करके आपको अपने दांतों पर ब्रश करना है, जैसा कि आप कंटिन्यू डेली रूटीन में करते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम तक ब्रश नहीं करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है, तो आपको सिर्फ 2 मिनट तक ही ब्रश करना है। 2 मिनट से ज़्यादा मत करिएगा, ये नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है। 2 मिनट तक सिर्फ कीजिए, और आप 3 बार इस्तेमाल कर लेंगे, कंटिन्यू 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3री बार, 3 बार में आप देखेंगे कि आपके दांतों का पीलापन बिल्कुल ही खत्म हो गया है, और आपके मुंह से जो स्मेल आती थी पीलेपन के कारण वो भी बिल्कुल रिमूव हो गई है। और फ्रेंड्स, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये 100% रिजल्ट भी देता है। जितने भी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, उन्होंने इसका रिजल्ट 100% देखा है, पॉजिटिव रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, इस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए और अपने दांतों की समस्या से जड़ से छुटकारा पाइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।